मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। गुड आफ्टरनून। और अभी बज रहे हैं लगभग 1:15 का टाइम हो रहा, 1:15 बज रहे हैं और मैं हूँ अपने किचन में और बना रही हूँ लंच। तो अभी शुरू कर रही हूँ मैं अपना ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि होली के बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी क्योंकि होली के बाद काफी थक गई थी, तो मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं किया। तो आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं लंच बना रही हूँ अपना। लंच में कुछ खास नहीं बन रहा है पनीर की सब्जी रोज के लिए, और यहाँ पे परवल की सब्जी बन रही है किशन के लिए, और बनेगा रोटी, चावल नहीं बना रही हूँ। तो बस ये दोनों सब्जी बन रही है मेरी, तो इसी में लगी हुई हूँ, लंच बना रही हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है, किशन अभी अभी ऑफिस से आए हैं और आप देख सकते हैं मेरे घर में, मतलब गार्डन में एक सांप घुस गया था क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है, और रोहित ने देखा कि सांप है वहाँ पर, तो किशन उसको निकाल रहे हैं गार्डन के बाहर। तो गर्मी की वजह से निकल गया है और मुझे बहुत डर लगता है सांप से। और किशन आ चुके हैं ऑफिस से और मेरा लंच भी बन चुका है, उनको दे दिया है अभी खाना। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मेरे घर में अभी सांप घुस गया था, तो किशन ने उनको उसको किसी तरह से निकाल दिया है गेट के बाहर पर। अभी भी डर लग रहा है और नीचे दरवाजे के नीचे हमने कपड़ा डाल दिया है अभी कि कहीं घर में ना घुस जाए, फिर से ना आ जाए गार्डन में। लेकिन थोड़ा सा तो लगता है, अभी गर्मी काफ़ी हो रही है इधर, 38-39 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है झारखंड में, तो ऑब्वियसली उन लोगों को भी गर्मी लगता है तो निकले हैं वो। लेकिन मुझे पर्सनली सांप से बहुत डर लगता है, सांप से सभी डरते हैं, बट ठीक है, होप कि अब ना आए घर पे, तो क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और मैं तो आज गार्डन अभी निकलने वाली नहीं हूँ, किशन ने भगा दिया उसको, बट फिर भी डर लग रहा है कि कहीं आ ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ कभी सोचिए भी मत वो चीज़ भी हो जाता है अपने साथ, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से होगा। पहले भी एक बार आया था सांप घर में, मतलब अंदर नहीं गार्डन में ही था, बट फिर से खुद से ही निकल गया था। और आज इस तरह से था स्कूटी के नीचे, तो उसको किशन डंडा से ठोक ठोक के निकाल दिए बाहर, तो होप सो कि अब ना आए। तो चलिए लंच कर लेते हैं, मेरा लंच रेडी है और क्या क्या बनाया दिखाते हैं। और ये है हमारा आज का लंच, रोटी, ये है पुदीनी, पटल की सब्जी, पनीर और थोड़ा सा सैलड। तो ये है हमारा आज का लंच और अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। और अभी हो रही है शाम और हमारे शहर में लगा है फन वर्ल्ड, तो हम लोग एक राउंड देने गए हैं कि क्या है फन वर्ल्ड में, कुछ नया आया है क्या, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ इस तरह से घूमना नहीं हो पा रहा था। तो मैं, किशन और रोहित तीनों ही गए हैं और कुछ खास नहीं है और भीड़ भाड़ भी बिल्कुल नहीं थी, खाली खाली सा था पूरा, तो इसीलिए हम लोग गए थे, क्योंकि अभी भीड़ भाड़ थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमारे शहर में भी काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से लगा है फन वर्ल्ड। तो पिछली बार भी जब मैंने डाला था तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था यहाँ पे मेरे शहर से कि कब तक है मेला, बट मैं लास्ट टाइम पे गई थी तो मैं नहीं बता पाई थी, बट ये फन वर्ल्ड है और अभी लगभग एक महीना अभी रहेगा हमारे शहर में। तो मैंने सोचा कि मैं घूमने जा रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा दूँ कि क्या क्या है, कुछ वैसा नया चीज़ नहीं है, बट हाँ जो रहता है फन वर्ल्ड में, लेडीज़ आइटम, ईयरिंग्स वगैरह काफ़ी वेराइटीज़ में है यहाँ पे, पर्सेज हैं, लेडीज़ सैंडल, जूतियाँ वगैरह हैं और कप वगैरह है, क्रॉकरी के काफ़ी सामान आए हुए हैं यहाँ पे, तो इस तरह है, पर्सेस हैं लेडीज़ के, तो इस तरह से जो रहते हैं नॉर्मली मेलों में या एग्जीबिशन कह सकते हैं उन सब में, उसी टाइप का है। तो आप आके एक राउंड दे सकते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे।
और फन वर्ल्ड में बहुत सारे राइड्स आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो काफ़ी राइड्स के मज़े ले सकते हैं, बड़े लोगों को भी जिनको राइड्स में चढ़ना अच्छा लगता है वो चढ़ सकते हैं, क्योंकि बड़े लोगों के लिए भी काफ़ी वेराइटीज़ हैं यहाँ पे। और रोहित को ये हाफ मून वाला राइड्स जो है ये पसंद आया है, तो वो उस पर बैठा हुआ है। उसने मुझे और अपने पापा को भी बोला था, बट हम लोगों को डर लग रहा था, हम लोग नहीं गए, तो उसने कहा कि ठीक है मैं अकेले ही बैठूंगा, तो वो गया हुआ है उस पर राइड्स लेने के लिए। तो इस तरह से रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपने भी इन्जॉय किया होगा मेरे इस वीडियो को। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाय मियाओ, ओए मियाओ, ओए।